और ग्राउंड में लेवलिंग का काम काफी तेजी से जारी है, आपके सामने है। सामने नाली के ऊपर ढक्कन लगाना भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। दोस्तों मैं आज एक बार फिर अरबाब न्यास के कृषि पेशावर में मौजूद हूँ, लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आज मंडे का दिन है और ये बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करने वाले हूँ। तो उससे पहले एक काइंड रिक्वेस्ट है आप सबको मेरी तरफ से, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लेवलिंग का काम, और ग्राउंड में लेवलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है और लेवलिंग के लिए मज़ीद स्पेशल मल्टी भी आ गई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और लेवलिंग का काम भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पर रहे और वीडियो को स्किप ना करें। और अब मैं आप लोगों को वो मिट्टी दिखाऊंगा जो लेवलिंग के लिए आई है, बिल्कुल नई मिट्टी और स्पेशल मिट्टी। और ये है स्पेशल मिट्टी, आप देख सकते हैं जगह जगह पर डाला है। और सामने आप देख सकते हैं लेबर काम में मसरूफ़ है, लेवलिंग का काम जारी है काफ़ी तेज़ से। और सामने आप देख सकते हैं दोस्तों लेवलिंग का काम जारी है और मिट्टी को लेवल किया जा रहा है, ग्राउंड में आप खुद देख सकते हैं। और मज़ीद मिट्टी भी आ गई है, पहले मैंने लोगों को बताया लेवलिंग के लिए और पीछे भी लोगों को बताया था कि सारे ग्राउंड को लेवल किया जाएगा। और यहाँ पर आप खुद देख सकते दोस्तों लेबर काम में मसरूफ़ है और लेवल का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। और वो एरिया आप देख सकते दोस्तों, वो एरिया कवर किया गया है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पानी भी दिया है, और वो एरिया भी करीबी से मैं लोगों को दिखाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो पर रहिए और वीडियो को स्किप ना करें। और यहाँ पर आप देख रहे दोस्तों, ये एक्सपर्ट चाचा लेवल का जायज़ा ले रहा है। और मज़ीद अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करने वाले हो तो दोस्तों वीडियो पे रहिए। और सामने मिट्टी आप देख सकते दोस्तों, ये स्पेशल मिट्टी आई है मज़ीद लेवलिंग के लिए और काफ़ी मिट्टी जगह जगह पर डाला है, और ये आपके सामने है और खुद देख सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। और पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आल ग्राउंड को लेवल किया जाएगा, और अब मैं आप लोगों को वो एरिया दिखाऊंगा जहाँ पर लेवलिंग के लिए मार्किंग किया गया है। और नीचे ये आप देख सकते हैं ये मार्किंग, इसी मार्किंग के मुताबिक लेवलिंग का काम जारी है। और करीब से आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, ये लेवलिंग के लिए मार्किंग किया गया है और इसी के मुताबिक लेवलिंग का काम जारी है। और सामने ये पाइप्स आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी पाइप्स के ज़रिए मिट्टी को पानी दिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। और सामने एरिया आप देख सकते हैं, उसी एरिया को पानी दिया है, और वो एरिया भी मैं आप लोगों को करीबी से दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पे रहिए और वीडियो को स्किप ना करें। और सामने आप देख सकते हैं नाली के ऊपर ढक्कन लगाना जारी है, और करीबी से मैं आप लोगों को दिखाऊँगा वेल्डिंग का काम। तो दोस्तों वीडियो पे रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। और जितना काम बाकी है नाली के ऊपर ढक्कन लगाना, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और अब मैं आप लोगों को वो एरिया दिखाऊंगा जहाँ पर ढक्कन लगाना बाकी है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर ढक्कन लगाना बाकी है, ये आपके सामने है और आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। और सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, लेबर काम में मसरूफ़ है और लेवलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। और सामने आप देख सकते हैं जगह जगह पर मिट्टी भी डाला है, और पहले मैं लोगों को बता चुका हूँ कि सारा ग्राउंड को लेवल किया जाएगा, यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं। और मैं आप लोग वो एरिया भी दिखाऊँगा जहाँ पर प्रॉपर तरीके से पानी दिया है लेवलिंग को। और सामने एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पानी दिया है जहाँ पर लेवलिंग का काम हुआ है, और वो एरिया भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ पर लेवलिंग का काम बाकी है। और अब मैं आप लोगों को वो एरिया दिखाऊंगा जहाँ पर लेवलिंग का काम बाकी है। और सामने एरिया आप देख सकते हैं,
वहाँ पर बिल्कुल काम बाकी है लेवलिंग का काम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लेवलिंग का काम बाकी है। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्लैडिंग का काम, और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लैडिंग का काम बाकी है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लैडिंग का काम बाकी है यहाँ पर। और सामने एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्लैडिंग का काम बाकी है, और वहाँ पर भी क्लैडिंग का काम बाकी है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगा, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्लैडिंग का काम बाकी है। और सामने बैक साइड एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लैडिंग का काम बाकी है, यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा चेयर इंस्टॉलेशन, और सामने स्टैंड आप देख सकते हैं बिल्कुल कवर किया गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चेयर इंस्टॉलेशन कंप्लीट, और बाकी स्टैंड भी आप देख सकते हैं दोस्तों चेयर इंस्टॉलेशन कंप्लीट। और सामने स्क्रीन भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत स्क्रीन, और मज़ीद स्टैंड भी आप देख सकते हैं चेयर इंस्टॉलेशन बिल्कुल कम्प्लीट। और सामने स्टैंड आप देख सकते हैं फ्रंट एरिया पे क्लैशीट का काम बाकी है, और पिछली वीडियो में वो एरिया दिखाया था, ये बिल्कुल आखिरी और बिल्कुल फाइनल स्टैंड है जहाँ पर क्लैशीट का काम बाकी है फ्रंट एरिया पे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और मज़ीद स्टैंड भी आप देख सकते हैं फ्रंट एरिया पे क्लैशीट का काम कम्प्लीट। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा लाइटिंग का सिस्टम, और ये है केबल प्लेट, आप देख सकते हैं केबल प्लेट का काम कंप्लीट हो चुका है। हर एक वीडियो में लोगों को ये एरिया दिखाया है, और यहाँ पर लाइटिंग का सिस्टम होगा अराउंड यहाँ पर। और अब मैं लोगों को दिखाऊंगा क्लेट शीट का काम, मेन गेट एरिया जो प्लेयर्स के लिए है, जहाँ पर क्लेट शीट का काम जारी था, और पीटी वीडियो में लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्लेट शीट का काम बंद हो चुका है। और सामने आप देख सकते हैं जितना काम हुआ है क्ले शीट के, तो ये आपके सामने आप खुद देख सकते हैं। और अब मैं आप लोग वो एरिया दिखाऊंगा मेन गेट एरिया पे जहाँ पर क्ले शीट का काम बाकी है, और सामने आप देख सकते हैं दोस्तों शीटिंग बांधा हुआ है, और ये एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर क्ले शीट का काम बाकी है, ये आपके सामने है और आप खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।